अस्सलाम वालेकुम इन्फॉर्म टीवी के साथ मैं हूं फयाज मोहसिन। मुजफ्फरगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ ज्यादती की मुकम्मल कहानी सामने आ गई। खातून ने आप बीती बता दी। मुतासरा खातून ने बताया कि हफ्ते की दोपहर 2:45 पर इन्हें जेंडर क्राइम से मुतालिक केस रिपोर्ट होने की इतला मिली, जिस पर वो घर से थाने के लिए रक्षे पर रवाना हुई। इन्होंने मौकफ इख्तियार किया कि वो रेस्क्यू 15 ऑफिस के गेट के करीब रक्षे से उतरी तो मेन सड़क पर काशिफ नामी शख्स अपनी सफ़ेद रंग की कल्टस कार में खड़ा था। काशिफ ने इन्हें पिस्तौल दिखाकर ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला और चमन बाईपास के करीब नामालूम मकाम जहाँ झाड़ियों और दरख्त वगैरह थे ले गया। मुतासरा खातून के बयान के मुताबिक मुलजिम ने इन्हें पिस्तौल और छुरी के जोर पर रेप की कोशिश की, लेकिन इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया और धमकाया कि अगर इन्होंने कानूनी कार्रवाई की तो इन्हें और इनके बच्चों को अगवा करके कत्ल कर देगा। इसके बाद वो रात 7-8 बजे के करीब मुझे इसी मकाम पर छोड़ गया जहां से इसने मुझे अगवा किया था। आईजी पंजाब ने वाकये का नोटिस लेते हुए आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली और मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया।